और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में देर रात एनसीबी ने अनुज केसवानी नाम के एक और ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि केसवानी को मुंबई के खार इलाके से हिरासत में लिया गया है। ड्रग पेडलर के पास से भारी मात्रा में गांजा, चरस, एसएलडी, मैरुआना, ज्वाइंट मैरुआना कैप्सूल के साथ भारी मात्रा में इंडियन और फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई है। एनसीबी ने हिरासत में लिए गए ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े इस ड्रग मामले में एनसीबी का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। हमारे सहयोगी संकेत पाठक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी इस खबर पर, जो ड्रग पेडलर हिरासत में लिया गया है उसको लेकर क्या और खुलासे हुए हैं? आज देखिए, एनसीबी लगातार जो ड्रग्स एंगल है, ड्रग्स कार्टल है, उसको पर्दाफाश करने में लगी हुई है। और जिस तरीके से जैद और बासित नाम के जो दो ड्रग पेडलर एनसीबी ने गिरफ्तार किए थे, इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ हुई थी, उसी के आधार पर कल एनसीबी ने मुंबई के खार इलाके में छापेमारी की थी और वहाँ से अनुज केशवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उसके पास से भारी मात्रा में जो ड्रग्स है वो बरामद हुआ है। अगर मैं बात करूँ, चरस, गांजा, एलएसडी समेत जो फॉरेन करेंसी है वो भी बरामद की गई है। और एनसीबी इस वक्त अनुज केशवानी एनसीबी की हिरासत में है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। आपको दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आज रिया चक्रवर्ती को भी दोबारा एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे भी आज दूसरे दौर की जो पूछताछ है वो एनसीबी के अधिकारी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ड्रग्स एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि अब जो एनसीबी का दायरा है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से आगे बढ़कर अब बॉलीवुड में जो ड्रग्स सप्लाई होता है, इसके अलावा जो ड्रग्स नेक्सस काम करता है, उसका पर्दाफाश करने के लिए अब एनसीबी के अधिकारी जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अनुज केशवानी की को हिरासत में लिया गया है। आपको बताऊं कि आज बताया जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और दीपेश को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कल जब रिया से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने जो ड्रग्स की चैट है उनकी बात तो कबूली थी, लेकिन सीधे तौर पर ड्रग्स लेने की बात को वो गोलमोल करके जवाब दे रही थी। ऐसे में आज दूसरे दौर की उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है। हो सकता है कि अगर रिया चक्रवर्ती कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी,